एक और कॉलर हमारे साथ आए हैं, विशु इनका नाम है, दिल्ली से जुड़े हैं। विशु, सवाल पूछिए आप अपना। डॉक्टर सर नमस्कार, मैं विशु बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा सवाल ऐसा था सर कि मुझे कोविशील्ड की इंजेक्शन पहले मैंने दोनों डोज लगा दिया है, तो अभी कुछ दिन पहले सर क्या हुआ कि हफ्ता भर पहले गले में खराश सी हुई थी और ऐसा लगा था कुछ अटका अटका था। फिर मैंने कोफसील, सिप्ला का जो कोफसील है वो लाया, उससे मैंने गार्गलिंग किया एजिमोथ्रेसिन और वो खाई, तो अभी फिलहाल ठीक है। पर दिल में और सांस का और शरीर में से कोई प्रॉब्लम, लेकिन दिल में एक डर सा है कहीं ये बढ़ ना जाए, कहीं ऐसा ना, इस तरह एक पैनिक सा हो रहा है सर। आप बिल्कुल परेशान ना हो, देखिए आपने बिल्कुल सही उचित इलाज किया अपने गले का, और अगर हम मान लें कि आपको दोनों कोविशील्ड लगने के बावजूद भी एक इन्फेक्शन हुआ है कोरोना का, जिसको हम आजकल ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, तो ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आमतौर से बहुत माइल्ड होते हैं, और हमने देखा है कि साइंस ने देखा है कि ज़्यादातर लोग इससे रिकवर कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपको भी कभी हुआ हो इस दौरान और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। इसलिए आप बिल्कुल भयभीत ना हो, चिंता ना करें, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो। जी अमित सिंह हमारे एक साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं। अमित, आप अपना सवाल पूछिए मुंबई से। हाँ सर, मेरे घर पे जो है मेरी माँ और कम से कम 5 दिनों से जो है उनको सर्दी है, जुकाम है, जो है हल्का बुखार है, खांसी भी। हाँ, मुझे क्या करना चाहिए सर जो है? अगर 5 दिन हो गए हैं और खांसी बुखार अभी परसिस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले तो आज के माहौल में उनको टेस्ट कराना चाहिए आपको रैपिड एंटीजन से या आरटीपीसीआर से, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो जो मैंने थेरेपीज बताई वो सब चालू करनी चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर पे ध्यान करके उनका ऑक्सीजन लेवल देखना चाहिए, सांस फूलता है तो उस स्थिति में कहीं आसपास जाना चाहिए अस्पताल में, नहीं तो माता जी को इन सब इलाजों के जरिए जो मैंने बताए हैं घर पर भी इलाज किया जा सकता है, वो ठीक हो जाएंगी। जी सर, एक और सवाल यहाँ पर था कि कई लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने एक वैक्सीन की एक डोज ले रखी है, उनमें भी लक्षण सामने आ रहे हैं, और एक सवाल ये भी आता है क्या घर में भी मास्क पहना जाए, ये भी अब काफी लोग ये सवाल पूछते हैं। तो उसका जवाब ये है कि जिन लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है उनको भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन या न्यू इन्फेक्शन होने का चांस है, लेकिन वो उन लोगों के मुकाबले बेहतर होंगे जिनको बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगी है, तो एक तो ये बात है, और उनसे अच्छे नहीं होंगे जिनको दोनों वैक्सीन लग चुकी है। और दूसरा, घर में मास्क पहनने का जहाँ तक सवाल है, घर में खुले स्पेसेस में जहाँ हवादार है, एसी है, क्लोज स्पेस नहीं है, वहाँ मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस कि आपके घर में कोई मरीज कोरोना का है जिसको आपने आइसोलेट किया है और आपका इंटरेक्शन उससे होता है, तो जरूर मास्क पहने, बाकी घर में मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।